हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाली हूँ कच्चे केले के छिलके की चटनी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप किसी भी नाश्ता के साथ या रोटी के साथ या चावल के साथ खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी अपनी। तो इधर मैं ली हूँ कच्चे केले के जो छिलके होते हैं वो, इसको उबाल ली हूँ मैं थोड़ा सा, और इधर ली हूँ मैं धनिया, हरा धनिया जो होता है, एक हरी मिर्च ली हूँ और अदरक और लहसुन ली हूँ। तो इसको हम पीसेंगे। तो इधर अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा हरी मिर्च जो होती है बढ़ा लेना आप। मैं थोड़ा सा तीखा कम बना रही हूँ इसलिए मैं एक मिर्च डाली हूँ इसमें, और इसमें मैं सब धनिया भी डाल दूँगी, अदरक लहसुन मिर्च भी डाल दूँगी, और इसको हम पीसेंगे। एकदम बारीक पेस्ट हमको इसका बनाना है। तो ये देखिए, तो ये जो हमारा पेस्ट है वो बन गया है। तो ये देखिए, बट इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें मैं कलर डालूँगी, और इधर मैं पैन चढ़ा दूँगी। पैन में मैं सरसों का तेल डालूँगी, सरसों के तेल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इधर मैं 2 टेबल स्पून डाल दी हूँ ऑयल, और इसमें मैं डाल दी हूँ कलौंजी। कलौंजी इसमें पड़ती है इस चटनी में, और ये जीरा भी डाल देती हूँ मैं। इसको भुनने के बाद इसमें एक लाल मिर्च जो सूखी वाली होती है वो डाल देंगे, और कढ़ी पत्ता डाल के थोड़ा सा भुनेंगे हम इसको। अब इसको भुनने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी जो हम पेस्ट बनाए थे, तो वो डाल देंगे, और इसमें हम पानी और डाल देंगे थोड़ा सा। इसको पहले मिक्स कर देंगे, तो ये देखिए। और इसको हमें पकाना है, कच्चा टेस्ट निकल जाए, जिससे जो केला का छिलका है उसका कच्चा जो टेस्ट होता है वो निकल जाए। तो इसलिए हम इसे अच्छे से पकाएंगे, और गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। और इधर मैं पानी और थोड़ा सा डाल दूँगी। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक डाल दूँगी, और इसमें हम डाल देंगे खट्टे के लिए नींबू का रस। आप इसकी जगह अमचूर भी ले सकते हो, और इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। और इसमें मैं डाल दूंगी फूड कलर, ग्रीन कलर डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि ये कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैं ग्रीन कलर डाल रही हूँ इसमें। बहुत ही अच्छा कलर दिखने लगेगा आपको ये। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर। तो ये अच्छे से हम इसको मिला देंगे। तो ये देखिए, हम इसे चलाते ही रहना है, नहीं ये नीचे लग जाती है चटनी। तो इसको हम चलाते रहेंगे, और जो हमारी चटनी है फ्रेंड्स वो रेडी हो गई है। तो ये देखिए, हमें इतना ही गाढ़ा लेना है, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं फिर उस ठंडी होने में और गाढ़ी हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी दिख रही है चटनी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।